दोस्तों, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है और अपनी यूट्यूब वीडियोस को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा वीडियो एडिटर नहीं मिल रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट वीडियो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी वीडियोज को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जिस वीडियो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ, वो फ्री वीडियो एडिटर है, यानी कि उसका यूज आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और इस वीडियो एडिटर की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी लंबी वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इस वीडियो एडिटर से अपनी वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह का वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इस वीडियो एडिटर में आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन और इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके आप एक बेस्ट क्वालिटी की वीडियो एडिट कर सकते हैं। एक तरह से कहे तो ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है, लेकिन फ्री है। तो दोस्तों, इस वीडियो एडिटर का नाम तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब हम इस वीडियो एडिटर के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो एडिटर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये वीडियो प्रीव्यू है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कैसे एडिट हुई है। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी वीडियो को एडिट करने में जिन फाइल्स, जैसे कि वीडियो, ऑडियो या इमेज का यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको काफी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके आप अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट्स में आपको ऑलमोस्ट वो सभी इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी एक यूट्यूबर को जरूरत होती है। यहाँ पर आपको ब्लर का इफेक्ट मिलता है, जिसका यूज करके आप अपनी वीडियो के किसी पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रोमा के इफेक्ट है, जिससे आप किसी भी वीडियो के ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्रॉप का इफेक्ट मिलता है, जिसका यूज करके आप किसी भी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इमोजी मिलते हैं, जिनका यूज भी आप अपनी वीडियो में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये टाइमलाइन है, इसे आप कुछ इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। टाइमलाइन में आपको कुछ ट्रैक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं 5 ट्रैक है। अगर आप ज्यादा ट्रैक ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर किसी ट्रैक को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ एडिटिंग के लिए टूल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रेजी टूल मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप किसी भी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्नैपिंग टूल मिल जाता है, जिसका यूज करके आप दो वीडियो को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर कुछ टूल और दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको काफी प्रोफाइल्स देखने को मिल जाती है, तो आप जिस प्रोफाइल में वर्क करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं। और दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो एडिटर में आपको कुछ इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो एडिटर के नाम और डाउनलोड के बारे में। तो इस वीडियो एडिटर का नाम है ओपनसॉर्ट वीडियो एडिटर। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है ओपनसॉर्ट वीडियो एडिटर डाउनलोड। ओपनसॉर्ट वीडियो एडिटर डाउनलोड टाइप करने के बाद आपको इंटरफेस करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तो आपको सबसे ऊपर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो एडिटर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।